नमस्कार, कंचन सावन ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं नीम का फूल का रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी। इसको हम लोग गांव में किस तरह से बनाते हैं और खाते हैं। तो चलिए, ये नीम का फूल हम लोग तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ लेते हैं। इस तरह से इतना नीम का फूल तोड़ लिए हैं, ये हमारे लिए बहुत हो गया है। तो चलिए बनाते हैं। नीम का फूल को मैं उबाल लूँगी, इसके लिए मैं कढ़ाई में रख दी हूँ नीम का फूल को। नीम का फूल उबल चुका है, इसका पानी हम अब निकाल देते हैं, फिर दिखाते हैं। इधर गैस ऑन कर ली हूँ, इसमें मैं एक चम्मच तेल डाल लेती हूँ थोड़ा सा। इसमें मैं लहसुन का फ़ौरन डालूँगी। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ। इसको गोल्डन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें अब मैं बॉईल किया हुआ नीम का फूल डाल दे रही हूँ। इसको मैं हल्का फुला लेती हूँ। यहीं पर मैं टमाटर डाल देती हूँ, नहीं तो ये नीम के फूल थोड़ा ज़्यादा कड़वे हो जाएंगे। ऐसे तो ये कड़वे होते ही हैं, लेकिन हम लोग साल में जब तक ये फूल रहता है बना के खाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा ही टमाटर डालिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा कड़वे लगेंगे। ऐसे तो नीम के बहुत सारे गुण हैं, इसीलिए साल में जब तक मिले तब तक इसका उपयोग करना चाहिए। तो हम लोग गाँव में तो खाते हैं, इस तरह से बनता है नीम का फूल। स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ, इसी बीच में हल्दी डाल दे रही हूँ। इसको फैला लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा ढक के पकाऊंगी। इस तरह से इतना हमारा जो बाकी बचा नीम का फूल है, इसको मैं सुखा दूंगी। और जब मन करे इसको मैं टमाटर लहसुन के साथ टमाटर पका के चटनी बना के हम लोग खाएंगे। जब कभी तीता खाने का मन किया तो इस तरह से हम लोग इसको सुखा के रखेंगे। ढक्कन हटा के देखते हैं, ये रहे हमारे नीम के। मज़ेदार दिख रहा है, खाने में स्वाद से सेहत से भरपूर है। तो इस तरह से ये बनता है। तो ये रहा हमारा नीम का फूल। ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा? इधर मैं थाली में निकाल के दिखा रही हूँ, हम लोग गाँव में इस तरह से खाते हैं। इसके साथ कोई सब्जी दाल की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसा ही खाएंगे। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।